एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने आश्रम में आराम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? तब व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैंने अपना आधा जीवन इस संसार को समझने में लगा दिया और तब मुझे समझ आया, यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं और मतलबी हैं। सभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ कोई किसी को समझता और उनकी मदद नहीं करना चाहता। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उनमें से एक आप हैं। आप भी सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं और कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तब व्यक्ति कहता है, मैंने अपने जीवन में यही सब देखा है। मेरी पत्नी, जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और सभी कार्यों में मेरा साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं कुछ और काम करूं, जिससे ज़्यादा पैसे कमा सकूं। और इसके लिए वो मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया। तब मैंने तय किया कि मैं उस घर को त्याग दूंगा। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में सब मतलब के हैं। तब मैं साधुओं महात्माओं के पास चला गया। वहाँ मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया। तब मुझे समझ आया कि ये दुनिया एक माया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध मुस्कुराकर बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। क्या तुम करोगे? व्यक्ति ने कहा, अवश्य बुद्ध। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये घड़ा देता हूँ। उस घड़े पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाई हैं। तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस घड़े को कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात? मैं इस घड़े की अपनी जान से भी ज़्यादा रक्षा करूँगा। तब बुद्ध ने कहा, एक और काम है जो तुम्हें करना है। रोज़ सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान करे उनकी सेवा करनी है और सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है। वहाँ से आकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्रवचन या ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुलाऊँगा। और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम ये घड़ा लेकर मेरे ही पास आना। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध। लगभग एक महीना हो चुका था। उसने वो सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहे थे। अभी भी बुद्ध ने उस व्यक्ति को सभा में नहीं बुलाया था। फिर वो व्यक्ति खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर ही आए। फिर वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, एक महीना हो गया है। आपने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया। चलो, काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर बुला लूँगा। ये सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपना कार्य करता रहा। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने हो चुके थे। उसने बुद्ध से जाकर फिर प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। कि देखते देखते एक और महीना बीत गया। अब व्यक्ति का धैर्य जवाब दे रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे। मुझसे बाद में आए शिष्यों को अपनी सभा में शामिल कर रहे हैं,
लेकिन मुझे अभी तक शामिल नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी कहा है वह तुम्हारे लिए ही है, किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक ये घड़ा किसी को नहीं दिया, लेकिन तुम्हें दिया है। वह व्यक्ति ये सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि ये घड़ा देखकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस व्यक्ति के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई ज्ञान प्राप्त है। आप झूठा ही अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई जरूरत नहीं है। और घड़ा जमीन पर दे मारा, घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़े को समेटने लगे। ये देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू हुआ। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख का कारण खुद को किसी वस्तु से जोड़ना है। जब हम किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं और वह पूरी नहीं होती, तब वह हमें दुख देने लगती है। एक पिता की उसके पुत्र से उम्मीद होती है कि वह उसके बताए रास्ते पर चले, और पुत्र की पिता से कि वह उसके बताए रास्ते में साथ जाने का सहयोग दे। सी ही कुछ उम्मीदें इंसान एक दूसरे से रखता है, और जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो ये क्रोध का रूप ले लेती हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसमें व्यक्ति का खुद का नुकसान है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना चाहते तो हैं, लेकिन उसमें पहले आप खुद जल जाते हैं। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़े को निकालकर उस व्यक्ति के आगे रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह व्यक्ति लज्जित होकर हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे माफ़ करें, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद करी, जब वह पूरी नहीं हुई तब तुम क्रोध में आकर वहाँ से भाग आए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो दुख ही पाओगे, लेकिन अगर वहीं तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें, मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने पिता और पत्नी के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के लोग रास्ते के दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी नज़र आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नज़र आता है, पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। घर जाओ, ध्यान करो, ध्यान करने के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो, धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, जिससे तुम परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। ये सुन वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया। ये देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को अपने संघ में जोड़ लेते हैं,
तो उसे क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीज़ों को करीब से जानना होगा, तभी वह आगे की यात्रा को शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वह उससे भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा, खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।